Hi friends, welcome back to Civil Stab. This is the 8th lecture under previous year question series of environment module. So let's start with today's lecture. So friends, as you know, we have completed the first two chapters, that is the basic concepts and terminology and the biodiversity chapter. And we are currently proceeding with the third chapter, that is the issues related to environment. So friends, as you know, we have completed the first part of this chapter, that is the major pollutants and environmental pollution in the previous lecture, and today we will be starting with the remaining issues related to environment, that is the ozone layer depletion, global warming and the acid rain. So let us start with the first part, that is the ozone layer depletion. So let us start with the first question related to ozone layer depletion. The first question is, consider the following statements about chlorofluorocarbons known as ozone depleting substances, which are used as in the production of plastic foams, in the production of tubeless tires, in cleaning certain electronic components or as pressurizing agents in aerosol cans. So, we have to tell you which correct uses of chlorofluorocarbon. This was asked in prelims 2012. So, friends, to answer this question, you need to know which are the different ozone depleting substances and what are their various uses. So, let us try to answer this question. So, friends, सबसे पहले ozone layer depletion क्या है? Ozone layer खुद क्या है? ओजोन लेयर बेसिकली एक ऐसी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो कि ओजोन से ओजोन गैस से बनी है. ओजोन गैस एज वी नो इज O3 गैस दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड द सोलर रेडिएशंस. यानी जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और सोलर रेडिएशंस रिएक्ट करती हैं तो वो O3 गैस बनाती है. और ये जो O3 की लेयर है, ओजोन लेयर की जो लेयर है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये उसको एब्जॉर्ब करती है. सो जो ताकि अर्थ में जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ तक ना पहुंचे, इसलिए ये ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. But due to human activities, anthropogenic activities, this ozone layer is getting depleted. इसके depleting के reasons क्या क्या है? कुछ जो human chlorine और bromine atoms हैं, कुछ substances हम ऐसी use कर रहे हैं जिससे कि atmosphere में chlorine और bromine atoms release हो रहे हैं, उनकी interaction की वजह से ये जो ozone layer है वो deplete होती जा रही है और break हो रही है simple oxygen molecules में. So ऐसे substances जो इस ozone layer को deplete कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ozone depleting substances. So what are the major ozone depleting substances? सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन, CCl4 दैट इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, HBFCs, HCFCs, मिथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोक्लोरोमीथेन. तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. नाउ इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के कुछ कॉमन सोर्सेज है. जनरली ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं वो यूज कहाँ पे होते हैं? वो यूज होते हैं इन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम्स, इन कंडीशनर्स या फायर एक्सटिंग्विशर्स. तो आपको इनके इंपॉर्टेंट यूजेस पता होने चाहिए. सबसे ज्यादा जो इनका यूज होता है वो कहाँ पे होता है? एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज होता है और अ सॉल्वेंट यूज होता है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं या जो डेली यूज की आइटम्स होती हैं उनमें जो सॉल्वेंट्स, क्लींजर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यूज होते हैं. सेकेंड मेजर जो इनका यूज होता है वो होता है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में. तो उनमें जो भी गैसेज यूज होती है उनमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. थर्ड इनका मेजर यूज है एज एन इंसुलेटिंग एजेंट और दी फोम प्रोडक्शन एजेंट्स. तो यहाँ पे भी इसका एक मेजर यूज है. उसके अलावा इन एरोसोल्स, स्प्रेज, यहाँ पे भी ये यूज होते हैं. सो आपको इनके मेजर यूजेस पता होने चाहिए ताकि आप उन जगहों पे जहाँ पे ये यूज हो रहे हैं उनको चेंज कर सके और अकॉर्डिंगली ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम कर सके. नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस which are used as. तो हमें बताना है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे वो कहाँ पे यूज हो रहे थे. तो अभी हमने पढ़ा था कि they are used as in foam production industries. So the first is correct. Second is in the production of tubeless tires. Tires की production में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं यूज होते हैं. Third है cleansing agent in electronic components. So this is right because cleansing solvent की तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं. And the fourth is pressurizing agents in aerosol cans. तो हमने पढ़ा था कि aerosol sprays में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं. So the answer here would be C, that is 1, 3, and 4. The next question, formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for formation of this hole? This was asked in prelims 2011. First, presence of prominent tropospheric turbulence and inflow of chlorofluorocarbons. Second is presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbons.
Third is absence of polar front and stratospheric clouds and inflow of methane and chlorofluorocarbons. And fourth is increased temperature at polar regions due to global warming. So friends, आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ओजोन होल है जो अंटार्कटिक रीजन में जो ओजोन होल बन रहा है उसकी फॉर्मेशन के रीजन क्या है. तो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल क्या है? इट इज बेसिकली डैमेज सफर्ड बाय द ओजोन लेयर ड्यू टू नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज. पहले जो ओजोन लेयर थी 1970 से पहले की बात करें, वहां पे जो ओजोन लेयर थी दैट वाज मोर देन 220 टॉप्सन यूनिट्स. लेकिन आफ्टर 1970s हमने देखा कि जो अंटार्कटिक रीजन के अराउंड ओजोन लेयर है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट कर रहे हैं, उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करने लग गया है. तो उसे हमने कहना शुरू कर दिया ओजोन होल. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये जो ब्लू लेयर है ये बेसिकली ब्लू रीजन है, ये डिनोट करता है एक ओजोन होल को. सो इसके दो मेन रीजंस हैं. नेचुरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसके मेन नेचुरल फिनोमेना है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं द इंक्रीज यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक हेलॉन्स, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा. सो लेट अस स्टडी ईच ऑफ दीज कॉजेस सेपरेटली. सबसे पहले जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा था सबसे मेजर रीजन है इंक्रीज यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. और यही रीजन है कि जो हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी पोटेंशियल भी हम इसी में मेजर करते हैं. तो जो भी सब्सटेंसेस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनका जो पोटेंशियल है टू डिप्लीट ओजोन लेयर वो भी हम इन टर्म्स ऑफ CFC-11 ही मेजर करते हैं. तो ये जो CFC-11 है ये कैसे रिएक्ट करती है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, लेट अस लुक एट दिस. सबसे पहले जो ये CFCs हैं ये रिलीज होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज से या जो हमारे होम एयर कंडीशनर्स या होम रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में से. वंस दे रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर दे राइज इनटू द ओजोन लेयर दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड देयर दे रिएक्ट विद द ओजोन लेयर. तो यहाँ पे ये एक सीएफसी मॉलिक्यूल्स है, ये अब रिएक्ट करेगा ओजोन लेयर से. कैसे? सबसे पहले जब इस पे सनलाइट पड़ेगी सीएफसी मॉलिक्यूल पे तो दिस स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन. और इसके कारण जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इसमें से कुछ फ्री क्लोरीन एटम्स या ब्रोमीन एटम्स रिलीज होंगे. दीज क्लोरीन एटम्स रिएक्ट विद द ओजोन मॉलिक्यूल ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन दैट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल और ओजोन मॉलिक्यूल की रिएक्शन के कारण ये जो इसके अंदर जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू अ फ्री मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन लेयर एंड बाय ऑक्सीजन लेयर. तो इसके कारण क्या होगा कि एक जो पहले जो ओजोन लेयर का एक मॉलिक्यूल था वो ब्रेक डाउन हो गया है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ. प्लस इस रिएक्शन में ये भी हो रहा है कि एक फ्री क्लोरीन एटम भी बाद में रिलीज हो जाएगा. तो इससे क्या होगा कि इनिशियली जो हमारा एक फ्री क्लोरीन एटम था वो एंड में भी प्रेजेंट होगा जिसके कारण ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगी और ये कैटालिटिक या एक चेन रिएक्शन की तरह कंटिन्यू करती रहेगी. सो ड्यू टू दिस द ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटिंग. अ सिंगल क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग मोर देन 1000 ओजोन मॉलिक्यूल्स. सो ये एक चेन रिएक्शन है और इसी के कारण हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती रहेगी. एंड दिस ड्यू टू द डिप्लीशन देयर वुड बी मोर UV radiations that can enter the earth atmosphere which can lead to phenomena like skin cancers, DNA mutations in organisms, plant ki photosynthetic capabilities pe farak pad sakta hai. So these are the various harmful uses of ozone layer depletion. Let us now study the natural phenomena that are behind ozone layer depletion that is related to formation of polar stratospheric clouds. To ye jo polar stratospheric clouds hain ye bahut hi high altitude क्लाउड्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं इन विंटर सीजन्स इन पोलर एरियाज. तो यहाँ पे इसके लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है, अराउंड -78 डिग्री सेल्सियस. ये जो क्लाउड्स हैं ये बनते हैं मेनली फ्रॉम इंटरैक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड आइस. सो ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं ये ओजोन लेयर डिप्लीशन में रोल क्या प्ले करते हैं? ये बेसिकली दो मेजर रोल्स प्ले करते हैं. एक तो इन क्लाउड्स की फॉर्मेशन के कारण ये एक ऐसा सर्फेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन की रिएक्शन हो सकते हैं, यानी जहां एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स और ओजोन मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर सके. प्लस ये जो कुछ ये एक ऐसा रोल भी प्ले करते हैं जिससे कि कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो कि ओरिजिनली फ्री फॉर्म में नहीं थे या जो ओरिजिनली ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते थे अब वो रिएक्ट कर पाएंगे. तो इसलिए भी ओजोन लेयर डिप्लीशन फास्ट हो जाएगी या इंटेंसिफाई हो जाएगी. सो ये दो मेजर रोल्स प्ले कर रहे हैं इन ओजोन लेयर डिप्लीशन.
सो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, लेट अस सी द फिनोमेना इन डिटेल. सो फ्रेंड्स, लेट अस सी दिस फिनोमेना इन डिटेल. सबसे पहले क्या होता है कि जब विंटर सीजन आता है तो एक फिनोमेना स्टार्ट होता है विंटर सीजन में, जो जिसे हम कहते हैं पोलर वॉर्टेक्स. ये रिलेटेड है बेसिकली जेट स्ट्रीम्स में. सो क्या होता है कि जब विंटर सीजन होता है, क्योंकि वहां पे पोलर हाइज में क्या होता है, एक पोलर वॉर्टेक्स फॉर्म हो जाता है, एयर का एक सर्कुलर मोशन फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण कुछ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं ओवर अंटार्कटिका या ओवर डिफरेंट पोलर रीजन्स. अंटार्कटिका में हम स्पेसिफिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होते हैं वहां पे जो विंड्स होती हैं वो काफी तेज होती हैं, तो ये क्लाउड्स इतने स्टेबल नहीं होते. लेकिन अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो वहां पे ये क्लाउड्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं. ये क्लाउड्स मेनली फॉर्म करते हैं ड्यू टू दिस इंटेंस कोल्ड एटमोस्फियर प्लस सम नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द एयर. सो उसकी रिएक्शन के कारण ये क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं. ये जो क्लाउड्स हैं, एक बार ये फॉर्म हो जाते हैं तो ये एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड कर सकता है ताकि वहां पे ओजोन लेयर डिप्लीशन की रिएक्शंस अकर कर सके. जैसे ही समर्स आती हैं तो ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए हमें बेसिकली सनलाइट चाहिए. तो वंस द समर अर्ली स्प्रिंग्स कम, सनलाइट आ जाती है, जिसके कारण ये जो क्लाउड है ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है. ये क्लाउड जब ब्रेक डाउन होना शुरू होता है तो उसमें से कुछ फ्री क्लोरीन एटम्स निकलते हैं, जो कि ये जो फ्री क्लोरीन एटम्स हैं ये ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और इस ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू बायोमोलिक्यूलर ऑक्सीजन. सो दिस ओजोन लेयर गेट डिप्लीटेड इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द फ्री क्लोरीन एटम्स दैट आर रिलीज फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ दिस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. तो विंटर्स के बाद जब समर में अर्ली स्प्रिंग्स में ये ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन. और विंटर ये होता कब है जनरली? अर्ली स्प्रिंग्स ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर, दैट इज इन द मंथ्स ऑफ सितंबर टू नवंबर. इस ओजोन डिप्लीशन के कारण द ओजोन लेयर गेट डिप्लीटेड अप टू 50% और इवन 90% इन एक्सट्रीम केसेस. सो इसी के कारण हमारा ओजोन होल फॉर्म होता है इन एंटार्क्टिक रीजंस. तो ये दो मेन रीजंस थे एंटार्क्टिक होल के फॉर्मेशन के या ओजोन लेयर डिप्लीशन के. नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reasons for the formation of this hole? So now हमें पूछा है कि Antarctic region में जो ozone hole बन रहा है उसके दो main reasons क्या है. So हमने पहला पढ़ा था anthropogenic cause, that was due to the inflow of chlorofluorocarbons, and the second was related to polar stratospheric clouds. So on this basis our answer is B, that is the presence of prominent polar front and stratospheric clouds plus the inflow of chlorofluorocarbons. So friends, with this we complete two major issues related to environment, and now we will be proceeding with the other major issues, that is the global warming. तो फ्रेंड्स, अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए. सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, उसके कॉजेज क्या क्या है. सेकेंड, उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम को वो कैसे इम्पैक्ट करता है. और थर्ड चीज की हम उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज द हीटिंग अप ऑफ द ग्लोब ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. यानी जब अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है उसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है वो राइज अप कर जाता है, वो शूट अप कर जाता है, जिससे अर्थ का जो हीट बजट है यानी बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग हीट गेट्स डिस्टर्ब्ड, और उसके कारण जो हीट है वो अर्थ के अंदर ट्रैप अप हो जाती है. तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग. सो ये किस लिए हो सकता है, ये दो रीजंस की वजह से हो सकती है. ग्लोबल वार्मिंग कैन बी नेचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक. नेचुरल रीजंस की अगर हम बात करें तो उसके मेन नेचुरल रीजंस हैं ड्यू टू चेंज इन द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एंड ग्रीन हाउस गैसेस. तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से या फिर टिल्टिंग ऑफ अर्थ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है. एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये सब भी कॉजेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मेजर नेचुरल कॉज की, जो कि है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का नाम पड़ा है एक फिनोमिना से जो सबसे पहले देखा गया था ग्रीन हाउसेज में. ग्रीन हाउसेस होते क्या है? ग्रीन हाउसेस एक ग्लास से बने हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर एक बार अगर हीट चली जाए तो वो उसी के अंदर ट्रैप अप हो जाती है, जो उसी बाकी जो हीट है वो उससे बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ग्रीन हाउस का टेम्परेचर जो है नॉर्मल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा होता है. सो यही फिनोमिना अर्थ के अंदर भी देखा गया. अर्थ के अंदर देखा गया कि कुछ गैसेस ऐसे
बिहेवियर लेके आ रही है, ऐसा स्ट्रक्चर अर्थ को मॉडिफाई कर रही है जिसके कारण अर्थ जो है ग्रीन हाउस की तरह बिहेव कर रहा है। वो अर्थ के अंदर जो हीट है, एक बार जो आ रही है हीट, वो उसे ट्रैप अप कर रही है, उससे एस्केप आउट नहीं होने दे रही। तो होता क्या है कि अर्थ के अंदर जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें मेनली कौन कौन सी गैसेस आती है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, SF6, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, PFCs, HFCs, CCl4 और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये जो मेन ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, इनके कारण अर्थ क्या है, एक ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण अर्थ से जो सन से एक बार जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, जिसमें तीनों टाइप की रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, उसमें से ये तीनों जो है एंटर तो कर रही है, लेकिन तीनों की तीनों एस्केप आउट नहीं कर पा रही। जो इंफ्रारेड रेज हैं, उसको ये ट्रैप अप कर रहा है अपने अंदर, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा राइज अप कर रहा है, और इसी के कारण जो हमारा हीट बजट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो अब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 22-25 डिग्रीज इसलिए रहता है, उसकी सारी की सारी हीट इसलिए एस्केप नहीं होती, क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ ही ग्रीन हाउस गैसेज है, ये इंफ्रारेड रेज को ट्रैप अप करती है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये ग्रीन हाउस गैस कुछ तो नेचुरली भी होता है और कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड है। नेचुरली इसलिए क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ इंक्रीज राइस प्रोडक्शन, ड्यू टू फॉसिल फ्यूल बर्निंग या कोई भी और एक्टिविटीज जिसके कारण इन ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, तो ये ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेचुरल से। तो इस अर्थ का जो टेम्परेचर पहले 20-25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता था, अब वो बढ़ गया है इन लास्ट 2-3 डिकेड्स। तो ये हमने IPCC के रिपोर्ट्स में भी देखा है कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण अर्थ के ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसका टेम्परेचर 2-3 डिग्री एवरेज सेल्सियस से बढ़ गया है। नाउ ये ग्रीन हाउस गैसेस के मेजर सोर्सेस क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। क्यों? क्योंकि अब जो है हमारा लैंड यूज पैटर्न मोर टुवर्ड्स एग्रीकल्चर है। बहुत सारे फॉरेस्ट को रिमूव करके उसकी जगह एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। राइस और व्हीट एक बहुत ही कॉमन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो इसके कारण ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। इनका मेन रोल क्या होता है, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये इंफ्रारेड को रेज को एब्जॉर्ब करती है और स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन को भी इंपैक्ट करती है। सेकंड हम बात करते हैं मीथेन की। मीथेन के मेन सोर्सेस हैं बायोमास के बर्निंग प्लस फर्मेंटेशन एंड थर्ड इज द रिलीज फ्रॉम राइस फैक्ट्रीज। तो जब भी हम राइस ग्रो करते हैं तो उसमें मीथेन बहुत ज्यादा रिलीज होती है। सो ये तीन मेन सोर्सेज हैं ग्रीन हाउस गैस मीथेन के। इसका इफेक्ट क्या होता है, ये भी इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करती हैं, ओजोन लेयर को इंपैक्ट करती हैं। थर्ड हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। इसका मेन सोर्स है फर्टिलाइजर्स जो हम क्रॉप्स में यूज करते हैं। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल बर्निंग में भी ये रिलीज होती हैं, कोल थर्मल प्लांट्स में भी ये रिलीज होती हैं। तो ये इसके मेन सोर्सेज हैं और इसके मेन इफेक्ट क्या होगा, वही कि इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेज एंड अफेक्ट्स ओजोन लेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर खुद भी एक ग्रीन हाउस गैस भी है, और क्योंकि अगर ये ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो ये ग्रीन हाउस गैस की तरह इंपैक्ट करती है, बट अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो इसका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कम हुआ। ये बेसिकली इसका मेन सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स है फोटोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद ऑक्सीजन, यानी जो सनलाइट के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी उससे ओजोन लेयर प्रोड्यूस होती है। एंड इसका मेन रोल क्या है, इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेज एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। यूवी रेज ये मेनली एब्जॉर्ब करती है स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। इसका मेन सोर्स क्या है, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उसमें से ये रिलीज होती है। और इसका क्या रोल है, इट इंपैक्ट्स ओजोन लेयर्स एंड एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशंस। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसके मेन सोर्सेज हैं वॉल्केनोज, कोल एंड बायोमास बर्निंग। ये किस लिए, इसका रोल क्या है क्लाइमेट में या एनवायरनमेंट में बात करें, इसका मेन रोल है इन फॉर्मेशन ऑफ एरोसॉल्स एंड एब्जॉर्ब्स सोलर रेडिएशंस। तो ये हमारे कुछ मेन ग्रीन हाउस गैसेस थे और उनके इंपैक्ट थे क्लाइमेट पे। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो कौन सी मेन इंडस्ट्रीज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को एस्केप आउट करती है, तो सबसे मेजर सोर्स है ग्रीन हाउस गैस का वो है पावर स्टेशन या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। सो जो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एलिमिनेट करते हैं, अराउंड 21.3%। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, एग्रीकल्चर, हमारे ये कुछ मेन सोर्सेज हैं सेक्टर वाइज एनालिसिस की अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस की।
सो आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, बट इन सबका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग में सेम नहीं होता. कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती हैं एज कम्पेयर टू अदर गैसेस. सो ये हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है क्या? इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच हीट अ ग्रीन हाउस गैस कैन ट्रैप इन द एटमोसफेयर अप टू अ स्पेसिफिक टाइम होराइजन इन रिलेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड. सो जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो वो हम करते हैं इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हमने 1 ली है और उसी के कंपेरिजन में हम बाकी गैसेस को मेजर आउट करते हैं. सो ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये डिपेंड किस चीजों पे करती है? ये डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन दैट अ गैस कैन अकर और उसका जो लाइफ टाइम है, यानी वो कितने टाइम तक बिना डिके के एटमॉस्फेयर में रह सकती है, यानी उसका लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम क्या है. तो ये 2 या 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिपेंड करती है. सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसकी है? इट इज SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स की. लेकिन इसका एटमॉस्फेयर में कंटेंट बहुत कम होता है तो इसकी रिलेटिव कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है. तो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा होगी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन से रिलीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी, उसके बाद मीथेन, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और नाइट्रस ऑक्साइड की लिस्ट. तो ये है रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन. बट अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होती है सल्फर हेक्साक्लोराइड की, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन्स की, उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, फिर नाइट्रस ऑक्साइड्स की, फिर मीथेन्स की और लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड्स की. तो पोटेंशियल के टर्म्स के अगर हम बात करें तो सबसे कम पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड की रहती है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर वाइज हम बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा रहती है. ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मास है वो कंटेंट इन दोनों का डिफरेंट है. दो CO2 की पोटेंशियल कम है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन CO2 की ज्यादा हो जाती है. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, इज इट रियल और मैनमेड. सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ गई है. सो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन. सो कार्बन फर्टिलाइजेशन इज द इफेक्ट दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स. सो इसके कारण क्या होगा? जो हायर टेम्परेचर्स के कारण ट्रॉपिक्स में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, उनकी यील्ड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बोरियल फॉरेस्ट. सो इससे इफेक्ट क्या क्या होगा? इट विल लीड टू फास्टर प्लांट ग्रोथ विच विल लीड टू मोर सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या होगा? इससे क्रॉप की यील्ड्स चेंज होंगी, क्रॉप यील्ड्स बढ़ जाएंगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा जल्दी होगी. एंड प्लस दिस कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको एक और चीज याद रखनी है, वो ये कि ये सारी क्रॉप्स को इक्वली इफेक्ट नहीं करता. ये बेसिकली सिर्फ C4 कार्बन की फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करता है. सो कुछ क्रॉप्स जो C3 कार्बन की फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड होती हैं लाइक मेज, उसकी ये कार्बन फर्टिलाइजेशन उस पे ये इंपैक्ट नहीं करती. सो कार्बन फर्टिलाइजेशन जो फिनोमिना है वो सारी क्रॉप्स पे इक्वली इफेक्ट नहीं करेगा. सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में. सो फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट देखे थे ग्लोबल वार्मिंग के. अब हम एक और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, जो कि है ओशियन एसिडिफिकेशन. ओशियन एसिडिफिकेशन जो है ग्लोबल वार्मिंग से तो होता ही है, और भी कई रीजन से हो सकता है, और ये खुद भी एक अलग से एक एनवायरमेंटल इशू भी है. सो व्हाट इज ओशियन एसिडिफिकेशन? ओशियन एसिडिफिकेशन इज बेसिकली व्हेन द पीएच ऑफ ओशियन वाटर्स टर्न्स एसिडिक, दैट इज अराउंड 5 or 6. तो जब ओशियंस का जो पीएच है, पीएच वैल्यू है, वो बहुत कम हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे ओशियन एसिडिफिकेशन. दिस कैन बी ड्यू टू आइदर एडिशन ऑफ एसिड रेन और ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ओशियंस. सो कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब होती है ओशियंस में से तो उससे कार्बोनिक एसिड बनता है, जिससे कि ओशियंस का एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो सकता है. सो ये होती है ओशियन एसिडिफिकेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन के इम्पैक्ट की. सबसे मेजर इम्पैक्ट जो होता है ओशियन एसिडिफिकेशन का वो होता है मरीन ऑर्गेनिजम्स पे. मरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सबसे मेजर जो इकोसिस्टम है मरीन ऑर्गेनिजम्स का वो है कोरल्स. तो कोरल्स जो है वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकते हैं. अगर ओशियंस की एसिडिटी बढ़ जाएगी तो उससे कोरल्स की ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी, डीकलराइजेशन ऑफ कोरल्स होगा एंड कोरल्स विल स्टार्ट लूजिंग देयर
एल्गी दैट इज अ जूजांथली, जिससे कोरल की डेथ शुरू हो जाएगी और ये एक मेजर लॉस होगा बायोडाइवर्सिटी का और इकोसिस्टम का. नेक्स्ट इम्पैक्ट जो मरीन ऑर्गेनिजम्स पे होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ दियर शेल फॉर्मिंग कैपेसिटी. जो ओशंस के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका शेल जनरली बना होता है कार्बोनेट से. अगर ओशन का जो एसिडिक कंटेंट है वो ज्यादा हो जाएगा तो उनकी कार्बोनेट फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोनेट है वो कम हो जाएगा और मैक्सिमम ऑफ द कार्बोनेट वुड बी डिसॉल्वड इन द एसिडिक वाटर्स. सो क्योंकि अब एक्स्ट्रा कार्बोनेट अवेलेबल नहीं है तो जो शेल्स हैं वो फॉर्म नहीं हो पाएंगे और जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल स्टार्ट टू डाई. नेक्स्ट अगर हम बात करें ओशियंस का इम्पैक्ट की तो वो होता है ऑन द टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास. जो ओशियंस हैं उसके अंदर जो प्लैंकटन्स हैं वो थोड़ा बहुत डाइमिथाइल सल्फाइड रिलीज करते हैं जो कि हेल्पफुल होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में. अगर ये क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो रेन नहीं होगी जिससे कि प्रॉपर वाटर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे इम्पैक्ट पड़ेगा. सो इससे भी ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होंगे और क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा. नेक्स्ट अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होते हैं ओशन एसिडिफिकेशन पे. क्यों? क्योंकि जो ओशन की बायोडाइवर्सिटी है, फिश जो कि एक इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स है ह्यूमंस के लिए, वो भी खत्म हो जाता है या कम हो जाता है. प्लस जो कोरल ब्लीचिंग हमने पढ़ी थी, कोरल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ टूरिज्म, तो कोरल इकोनॉमी जो है वो सफर करेगी अगर ओशन एसिडिफिकेशन होगी. तो ये तीन मेजर इम्पैक्ट है ओशन एसिडिफिकेशन के. सो नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग. सबसे बेस्ट चीज है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने की, वो है कि हम कार्बन सिंक्स को इंक्रीज करें. क्यों? क्योंकि अगर कार्बन सिंक्स इंक्रीज होंगी तो ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएंगी और ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी. तो कार्बन सिंक्स है होती क्या है? कार्बन सिंक्स आर बेसिकली नेचुरल और आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स दैट एक्यूमुलेट्स और स्टोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. तो कार्बन जो स्टोर करती है रिजर्वॉयर्स उन्हें कहते हैं कार्बन सिंक और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. तो मेजर कार्बन सिंक्स अगर हम बात करें नेचर में कौन कौन सी है? फॉरेस्ट, सॉइल्स, ओशंस एंड एटमोस्फियर. तो ये सारे ही कार्बन को स्टोर करती है और एक प्रॉपर कार्बन साइकिल की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है. अब अगर हम बात करें कि ओशंस की, ओशंस एक सबसे बड़ा मेजर कार्बन सिंक है और अगर ओशंस में भी अगर हम पोलर रिजर्वॉयर्स की बात करें, जो पोलर्स का ओशन कैप आइस कैप्स हैं, वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है. क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है और उनकी डिसोल्यूशन पावर जो होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो मैक्सिमम होती है. तो ये है हमारे कुछ मेजर कार्बन सिंक्स और अगर हम इन्हें इंक्रीज करेंगे तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है. So let us now try to answer the questions related to global warming. सबसे पहला question क्या है? Due to their extensive rice cultivation, some regions may be contributing to global warming. To what possible reasons is this attributable? यानी rice cultivation जो कि एक major source है global warming का, वो क्यों global warming कर रहा है? सबसे पहले it releases methane due to anaerobic conditions. And second is due to the nitrogenous based fertilizers that are used in cultivation of rice. That leads to global warming. So, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि जब हम राइस कल्टिवेट करते हैं तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं जिससे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है जो कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है. और मीथेन हमने पहले ही पढ़ा था कि राइस पैडीज में से जो रिलीज होती है वो भी एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है. तो दोनों ही आंसर सही है. सो आंसर वुड बी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. The increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of atmosphere because it absorbs. So, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ का टेम्परेचर कैसे एब्जॉर्ब करती है? इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन. सो इसका आंसर होगा डी, दैट इज द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलो अबव आर द मेजर सोर्सेज ऑफ मीथेन विच इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस. तो हमें पूछा गया है कि मीथेन के सोर्सेज क्या क्या है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है. फर्स्ट राइस फील्ड, सेकेंड कोल माइनिंग, थर्ड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड फोर्थ वेटलैंड. तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मीथेन जो है राइस फील्ड्स में से निकलती है और जो मार्शी वेटलैंड्स होते हैं जहां पे एनारोबिक कंडीशंस होती हैं वहां पे भी मीथेन रिलीज होती है रेस्पिरेशन. सो 1 और 4 तो पक्का ही होंगे ऑप्शंस में, इसलिए हम बी और सी को तो डायरेक्टली इलिमिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल माइनिंग की. कोल माइनिंग में भी मीथेन रिलीज होती है. क्यों? व्हेन कार्बन इज कंबस्टेटेड तो मीथेन भी थोड़ी बहुत रिलीज होती है. सो ये भी एक ऑप्शन में होना जरूरी है. तो इस बेसिस पे हमारा आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2, 3 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन. ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2018 में.
तो इसमें हमें पूछा गया कि कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होती है. फर्स्ट, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. सेकेंड, इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड थर्ड, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशियंस ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. और फोर्थ, अडेप्टेशन ऑफ ह्यूमंस ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. सो हमें पता है कि अगर एसिडिटी इंक्रीज होती है ओशियंस की तो उसे हम कहते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन. सिमिलरली अगर टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं. तो इसका आंसर जो कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है एग्जैक्टली उसको कहते हैं हम प्लांट ग्रोथ जो इंक्रीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसे हम कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन. सो इसका आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रीसेंट पास्ट हैव कॉज द इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर बट अ लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ. सो दो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड बट फिर भी सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में क्यों नहीं रह रही. पहला, इट एस्केप्स इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फेयर. सेकंड, द फोटोसिंथेसिस बाय प्लैंकटन इन द ओशंस. और थर्ड, द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स. सो हमें इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि कौन कौन सी कार्बन सिंक्स हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में रिलीज नहीं हो रही. सो हमें पहले ही पता है जो ओशंस के अंदर जो प्लैंकटन्स हैं वो मेजर फोटोसिंथेसिस की तरह एक कार्बन सिंक्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन होगा ही होगा. एंड थर्ड ऑप्शन जो कि पोलर आइस कैप्स के रिलेटेड है वो भी एक इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स है. क्यों? क्योंकि बहुत सारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड होता है इन पोलर आइस कैप्स में, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्यूशन कैपेसिटी होती है आइस कैप्स की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ओशियन वाटर्स. सो द आंसर हियर वुड बी सी, दैट इज 2 and 3. द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, The acidification of oceans is increasing. Why is this phenomena a cause of concern? तो हमें basically पूछा गया है कि ocean acidification एक cause of concern क्यों है? First, the growth and survival of calcareous phytoplanktons will be adversely affected. ये सही option है. क्यों? क्योंकि अगर calcareous phytoplankton है तो calcium dissolve हो जाएगा acidic waters में और उनका survival possible नहीं हो पाएगा. So this is right. Second option, the growth and survival of coral reefs will be affected. तो हमने पढ़ा था कि corals जो हैं, अगर coral bleaching start हो जाएगी अगर acidic water होंगे. Third option, the survival of some animals that have phytoplankton larvae will be affected adversely. So हाँ, phytoplankton larvae भी affect होंगे क्योंकि वो directly phytoplanktons पे depend कर रहे हैं और अगर phytoplanktons कम होंगे तो उनका larva भी कम होगा, तो ये भी affect होगा. Fourth question, fourth option is the cloud seeding and the formation of clouds will be adversely affected. तो ये भी सही है. क्यों? क्योंकि अगर phytoplanktons कम हो रहे हैं तो उनके उनके साथ साथ सल्फर जो वो रिलीज कर रहे थे वो भी कम हो रहा था, प्लस उनकी उनके कारण जो aerosols जो कि क्लाउड्स बना रहे थे, क्लाउड सीडिंग कैपेसिटी थी वो भी कम हो रही थी. सो ऑल ऑफ दीज फोर ऑप्शंस आर करेक्ट. सो इसका आंसर होगा डी. So let us now look at the third and the final issue that is related to environment, that is the phenomenon of acid rain. So let us first look at the questions that have been asked from the phenomenon of acid rain. The first question that was asked, it was asked in prelims 2010. In this question we are asked ki acid rain ke main causes kya hote hain. First, oxides of hydrogen, second oxides of nitrogen and third oxides of sulfur. तो हमें बेसिकली बताना है कि एसिड रेन जो है वो किसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके एसिड रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, वो किससे बनी होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, एंड सेकेंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. सो हेयर अगेन वी आर आस्क्ड कि एसिड रेन के बनने के कॉज क्या है. सो इन दोनों ही क्वेश्चंस में दे वेरी सिमिलर क्वेश्चंस, हमें यही पूछा गया है कि एसिड रेन किससे बनी है. दिस वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2013. नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द बोथ ऑफ दीज क्वेश्चन बाय स्टार्टिंग व्हाट इज एग्जैक्टली एसिड रेन एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एसिड रेन क्या होती है. एसिड रेन एक ऐसी रेन है या कोई भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है जिसका जिसके अंदर जो वाटर है उसका पीएच जो है वो 7 से कम है. यानी वाटर की कोई भी फॉर्म में, चाहे वो गैशियस फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, अगर वो अर्थ पे रिलीज हो रहा है जिसमें उसका पीएच जो है 7 से कम है, नॉर्मल पीएच 7 से कम है, तो उसे हम कहेंगे एसिड रेन. सो एसिड रेन की जो मेन सोर्सेज हैं, जिसके अंदर जो उसको एसिडिक बनाती हैं, वो कौन सी गैसेस होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एंड दी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. यानी अगर एक ऐसी रेन है जिसमें ये दोनों ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं, तो उससे ये जो रेन है वो एसिडिक हो गई और जब वो अर्थ पे फॉल करेगी तो उससे हम कहेंगे एसिड रेन. सो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ दीज
एडिशन ऑफ दीज ऑक्साइड्स इन दी एसिड रेन, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये मैनमेड कॉजेज भी हो सकते हैं. अगर हम नेचुरल कॉजेज की बात करें तो ये ऑक्साइड्स एड हो सकते हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें तो दे कैन बी एडेड ड्यू टू लाइटनिंग, ड्यू टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स. तो इन रिएक्शन के कारण हो सकता है कि एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज हो जाए. मैनमेड फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ड्यू टू फॉसिल बर्निंग, ड्यू टू द एग्जॉस्ट ऑफ चिमनीज दैट फैक्ट्रीज में, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें सल्फर ऑक्साइड्स बहुत ही कॉमनली रिलीज होते हैं, या बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहां से ये ऑक्साइड्स एटमोस्फियर में एंटर करते हैं. सो अब अगर हम बात करें, ये तो थे कि मेन सोर्सेज क्या हैं एसिड रेन की फॉर्मेशन के, बट अगर इसके पाथवे या इसकी प्रोसेस की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो दिस अकर्स इन फोर मेन वेज. सबसे पहले क्या होगा कि दिस सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिलीज इन टू द एटमोस्फियर बाय मेन वेरियस सोर्सेज जो हमने अभी पढ़े थे. वंस दे एंटर इन टू द एटमोस्फियर दीज पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू एसिडिक पार्टिकल्स. क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ फोटो ऑक्सीडेंट्स जो होंगे एटमोस्फेयर के अंदर, जो क्लाउड होगा, जो वाटर होगा, उसके साथ रिएक्ट करेंगे और एसिड फॉर्मेशन करेंगे. सल्फर ऑक्साइड के कारण सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कारण नाइट्रिक एसिड बन जाएगा. सो ये क्लाउड्स में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे. नाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट डायरेक्शंस और बहुत सारे लंबे क्लाउड्स बन जाएंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. अब ये जो क्लाउड्स हैं ये अर्थ में फॉल करेंगे इन आइदर इन वेट फॉर्म्स और इन ड्राई फॉर्म्स. तो वेट फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उसमें रेन, स्नो, ये सब आएगा. लेकिन अगर ड्राई फॉर्म्स की बात करें तो उसमें क्या आएंगे, ड्राई डेपोजिशन में डस्ट, स्मोक. तो ये सेटल डाउन हो सकती है इन फॉर्म ऑफ डस्ट, स्मोक, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, या वाटर के अंदर एंटर कर सकते हैं, जिसके कारण एसिड रेन अब अर्थ पे फॉल हो जाएगी इन वेरियस फॉर्म एंड इट रिएक्ट्स विद वेरियस ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम. सो अभी हमने पढ़ा कि ये जो एसिड रेन थी वो चार मेन स्टेप्स के थ्रू अर्थ पे फॉल कर रही थी या इकोसिस्टम से रिएक्ट कर रही थी. अब ये एक, हमने पढ़ा था कि ये एक एनवायरमेंटल इशू है, इसका बहुत ही हैजार्डस इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट पे. सो लेट अस सी व्हाट आर इट्स वेरियस हैजार्डस इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम. सबसे पहला मेजर इंपैक्ट है ओशियन एसिडिफिकेशन की फॉर्म में. ये जो एसिड रेन है जब ओशियंस में फॉल करेगी तो उससे क्या होगा, जो ओशियंस का पीएच है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो ओशियंस के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो कम हो सकते हैं, जो नॉर्मल उसके अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है ड्यू टू ओशियन एसिडिफिकेशन. सेकेंड मेजर इंपैक्ट अगर हम बात करें तो इट इज ऑन द बेसिस ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड द प्लांट ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उससे क्या होता है, प्लांट्स में जो एसिड रेन जब फॉल करती है उनके ऊपर तो उनके उसका जो क्यूटिकल है वो ब्लॉक हो जाता है और उसकी जो फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. सिमिलरली अगर हम सॉइल्स की बात करें तो अगर एसिडिक मीडियम होता है तो लीचिंग बहुत ज्यादा हो सकती है. सॉइल की अगर सॉइल का पीएच अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे क्या होगा कि उसकी जो क्रॉप की यील्ड है वो कम हो जाएगी और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर उनको भी नुकसान पहुंच सकता है. थर्ड मेजर इंपैक्ट है एसिड रेन का, जो कि आपने बहुत ही कॉमनली भी सुना होगा, दैट इज ऑन द बिल्डिंग्स एंड द मॉन्यूमेंट्स. आपने सुना होगा कि ताजमहल इज टर्निंग येलो ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड रेन. तो ये एक बहुत ही कॉमन इफेक्ट है एसिड रेन का. फोर्थ है ऑन दी अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो दैट इज इन द टर्म ऑफ डिजीजेस, या जो ह्यूमंस को हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन, दैट इज इन द टर्म ऑफ रिड्यूस विजिबिलिटी, इरिटेशन ऑन द स्किन, रेस्पिरेटरी इश्यूज, ये भी सब इफेक्ट हैं एसिड रेन के. तो ये चार मेजर इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के, जिसके कारण ये एक मेजर एनवायरमेंटल इशू है. नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वी हैड स्टडीड. सबसे पहला क्वेश्चन क्या था एसिड रेन का, हमें पूछा गया था कि एसिड रेन के कॉजेज क्या हैं. तो हमें अभी हमने पढ़ा था कि एसिड रेन के दो मेन कॉजेज हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. तो इसका आंसर होगा सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड रिगार्डिंग एसिड रेन वाज, दिस वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2013. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट बाय ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और डी नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो हमें बताना था कि एसिड रेन किसकी कॉम्पोजिशन से बनी है. सो इसका आंसर होगा डी, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड. सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमने अपने चारों एनवायरमेंटल मेन इश्यूज को खत्म कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे.
सो फ्रेंड्स, दिस इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू. ये आप खुद ट्राई करें और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें. दिस क्वेश्चन इज अगेन रिगार्डिंग द फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. यानी जो हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पढ़ी थी उसके लिए क्या क्या मेन एरियाज हो सकते हैं या कहां कहां पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है. फर्स्ट इज अबैंडन्ड एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, सेकंड इज डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर्स, एंड थर्ड इज सबटरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशंस. तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए पोटेंशियल साइट्स है. सो आप इसको ट्राई करें और इसका आंसर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें. सो फ्रेंड्स, बिफोर वी गो, देयर इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू. यहाँ पे हमने आपको चार मेजर स्पीशीज दी हैं, चार कॉमन स्पीशीज दी हैं जो कि न्यूज में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, इसलिए ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हमने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी आप स्पीशीज पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में तीन चीजें पता होनी चाहिए. पहला उसका IUCN स्टेटस, सेकेंड उसका हैबिटेट, और थर्ड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया. सो ये चार स्पीशीज आपको पढ़नी है. फर्स्ट इज मालाबार सिविट, सेकेंड इज गोल्डन लंगूर, थर्ड इज गेंजर शार्क, और फोर्थ इज एशियाटिक लॉयन. तो आप इन तीनों स्पीशीज को पढ़िए, चारों स्पीशीज को पढ़िए और इनके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढिए. सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक दिस वीडियो. वी विल बी बैक टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो.